क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, एक लड़की है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है। उसे बताया क्यों नहीं? ये प्यार भी अजीब चीज है संजना। जब किसी के जब शिवाजी राजे की तलवार चलती है तो औरतों का घूंघट और ब्राह्मणों का जनेऊ सलामत रहता है। दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और चुलबुली सी दिखने वाली काजोल ने खुलासा किया है कि उन्होंने सनकी स्वभाव और गुस्सैल किस्म के अभिनेता अजय देवगन से ही शादी क्यों की थी। इसका कारण जानकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि अजय देवगन जैसा शरीफ सा दिखने वाला इंसान आखिर इतना गंदा और शर्मनाक काम कैसे कर सकता है। लेकिन राज खोलने से पहले अगर आपको भी काजोल और अजय देवगन की जोड़ी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को कृपया करके लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, बॉलीवुड में अक्सर देखने को मिलता है कि अभिनेता और अभिनेत्री फिल्मों में काम करते करते एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और ऐसे में उनमें कोई ना कोई रिश्ता तो बन ही जाता है, भले ही वह नाजायज रिश्ता ही क्यों ना हो। और वह रिश्ता कब शादी में बदल जाता है इस बात का भी किसी को पता नहीं चलता। लेकिन आपने शायद ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि दो सेलिब्रिटीज एक दूसरे को किसी समय जानते भी ना हो। एक दूसरे को पसंद करने की तो दूर की बात, लेकिन फिर भी इन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। जी हां, यहां पर हम बात कर रहे हैं मशहूर जोड़ी काजोल और अजय देवगन की। आपको बता दें कि अजय देवगन और काजोल की शादी को 23 साल का लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन दोनों के रिश्ते में प्यार की कमी देखने को नहीं मिलती। इस स्टार कपल को लोग इंस्पिरेशन के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि दोनों ने हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दिया। काजोल ने अजय से शादी करने का फैसला तब किया था जब वह अपने करियर के टॉप पर थी और उसके बाद उन्होंने पहली प्राथमिकता अपने परिवार को दी। तब से लेकर अब तक काजोल अजय का रिश्ता कितना मजबूत बन चुका है यह तो उनकी बॉन्डिंग और क्यूट बातें बखूबी बताती हैं। दोनों एक दूसरे से बेहद अलग हैं, लेकिन फिर भी साथ हैं। इसका कारण है उनका रिश्तों का बेहतर तरह से समझना। हाल ही में अजय ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने काजोल से शादी क्यों की और उनके साथ अपने रिश्ते को कैसे संभाला। उन्होंने जो कहा उससे कपल्स काफी कुछ सीख सकते हैं। हाल ही में एक टॉक शो के दौरान जब अजय से पूछा गया था कि उन्होंने काजोल से शादी करने का फैसला क्यों किया तो जवाब में एक्टर ने बताया था, सच कहूं तो मुझे पता नहीं, हम मिले और फिर हमारा साथ हमेशा बहुत अच्छा रहा। हम बिना प्रपोज किए ही एक दूसरे को उस तरह से देखने लगे थे और मन में ठान चुके थे कि हम शादी करेंगे। हमारे विचार काफी मिलते हैं, हमारे मॉडल एक जैसे हैं, इसलिए सब एक फ्लो में आगे बढ़ता चला गया। अजय ने काजोल संग अपने रिश्ते पर जो कहा वो बताता है कि सिर्फ प्यार के तीन शब्द कहने भर से रिलेशनशिप नहीं चलती, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और बिलीव से ये आगे बढ़ती है। जब आपकी पार्टनर के साथ अच्छी कंपेटेबिलिटी होती है तो कई बार आपको बिना कहे भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। ऐसे ही रिश्ता मजबूत बनता है। प्यार और विश्वास के बाद भी काजोल और अजय के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों ने अपनी समझदारी से इसे संभाला और बैलेंस किया। जब अजय से पूछा गया कि ऐसा क्या है जिस पर उनकी शादी टिकी हुई है तो एक्टर ने कहा, हर शादी में उतार चढ़ाव आते हैं, हमें हमारी असहमतियों को मैनेज करना होता है, दो लोगों के दिमाग एक जैसे नहीं हो सकते। अजय की बातों से साफ पता चलता है कि जब भी उनके और काजोल के बीच किसी बात पर बहस होती है तो वे दोनों एक दूसरे से आराम से सोल्यूशन पर बात करते हैं। ऐसे ही वे एक दूसरे को हैंडल करने की कला को बेहतर तरह से समझ पाते हैं। आप भी एक्टर की इस बात से सीख ले सकते हैं कि रिश्ते में उतार चढ़ाव आने पर पार्टनर से लड़ने के बजाय एक दूसरे को समझने का प्रयास करें और मजबूती के साथ खड़े रहें। अजय ने अपनी इन बातों में सक्सेसफुल मैरिज के कुछ टिप्स भी दिए और बताया कि एक रिलेशनशिप में आपको सामने वाले के नजरिए को भी समझना होता है। उन्होंने कहा, किसी भी पार्टनर को अपने ईगो को लेकर नहीं चलना चाहिए और अगर आप गलत हैं तो माफी मांगकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप अपने ईगो को लेकर चलते हैं तो आपका रिश्ता नहीं चलने वाला है। रिश्ते में सरल स्वभाव बेहद जरूरी है। अगर आप इस बात पर अपना ईगो लेकर आते हैं तो पार्टनर के साथ तनाव बढ़ने लगता है। लड़ाई झगड़ों के दौरान इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि गलती पर आप कितनी जल्दी सॉरी बोलकर उसे खत्म करते हैं। अपने साथी को बदलने की कोशिश करना और रिश्ते के लिए दोनों का सहजता के साथ उसमें ढल जाना रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए रखने में
में मदद करता है। अजय ने बताया कि वह और काजोल इस तरह के कपल कभी नहीं रहे जो सामने से ढेर सारा प्यार दिखाते हैं। एक्टर ने कहा, मैं बहुत कम बात करने वाला और दिखावे वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं लोगों की परवाह करता हूँ। मैं जिनसे प्यार करता हूँ उनके लिए इसे दूसरे तरीके से प्रदर्शित करता हूँ। जब शादी की बात आती है तो प्यार किसी और चीज में तब्दील हो जाता है जिसमें पार्टनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर शामिल है। इसे मैं प्यार से ज्यादा मजबूत मानता हूँ क्योंकि जहाँ सिर्फ प्यार है वो लंबे समय तक टिकने वाला नहीं होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैरिड लाइफ में आप सिर्फ प्यार के सहारे अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसमें पार्टनर की केयर करना, उस पर विश्वास करना, उसकी जिम्मेदारी लेना और घर परिवार को संभालना जैसी कई बातें शामिल हैं। तो दोस्तों, अजय देवगन और काजोल की जोड़ी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।